Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे और नॉमिनेशन का कार्यक्रम चलना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको पता है कि जिस तरीके से चुनाव से पहले बड़ी बड़ी रैलियां होती है, डोर टू डोर कैंपेन होता है, बड़े बड़े रोड शोज होते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का माहौल है उसको देखकर कोरोना काल में जो चुनाव आयोग है वो हर पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन और नियमों का पालन करके ही आपको उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ना है, जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करती नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में जो एक नियत समय है, नियमों का पालन करना है, उसका पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी जो है वो धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं। और आप जब तस्वीरें देखेंगे, जब वीडियोस देखेंगे, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस निचले स्तर पर गिर गई है कि वो पूरा चुनाव कार्यकाल और जो चुनाव के नियमों का, कोरोना के नियमों का जो पालन करना है, उसकी धज्जियां बखूबी उड़ाती नजर आ रही है। आपको पता है कि अखिलेश यादव के साथ जब स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल हुए थे, तो वहां पर शामिल के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तादाद भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को नोटिस भी जारी किया था और उस पर एक्शन लेने की बात कही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अमित शाह, जो गृह मंत्री खुद एक जिम्मेदार व्यक्तित्व के तौर पर जब चुनावी रैली यानी कि चुनावी रोड शो करने जाते हैं, तो जो नियमों का पालन होता है उसका खुलेआम तौर पर धज्जियां उड़ती नजर आती है, उसको लेकर चुनाव आयोग की हैसियत नहीं होती है कि वो उनको नोटिस भेज दे। तो वहीं रवि किशन राजनाथ के बेटे के प्रचार में नोएडा पहुंचे हुए थे और जिस तरीके से वहां पर कोरोना कोविड जो प्रोटोकॉल था उसकी धज्जियां उड़ी थी, उसको देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि चुनाव आयोग भी बायस नजर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी की जब ऐसी चीजें हो रही है तो वो सीधा नोटिस थमा दे रहा है। लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आती है तो चुनाव आयोग नोटिस भेजने से पता नहीं क्यों डर रहा है। ये तो चुनाव आयोग को ही पता होगा। इसी कड़ी में जो है अब्दुल्ला आजम को लेकर भी जो है FIR दर्ज कर दिया गया है। दरअसल हुआ क्या है कि तांडा थाना में आचार संहिता लागू करने के उल्लंघन में FIR दर्ज की गई है और उनके धारा 188, 269, IPC धारा 3, महामारी अधिनियम और 51 आपदा प्रबंधन जैसे अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है। और कहा गया है कि जो है अब्दुल्ला आजम जो है वो कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं और तमाम तरीके की जो भीड़ है वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन पर अगर इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा हो जा रही है तो लोग FIR कर दे रहे हैं, चुनाव आयोग नोटिस भेज दे रहा है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जब भरे झुंड के साथ जब डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं तो चुनाव आयोग जो है उस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस ओर मोड़ ले रहा है और किस तरीके की पक्षपात की जो खबरें हैं वो लगातार विपक्ष आरोप लगाते नजर आ रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.